بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Unit 3 Let's plant trees آئیے درخت لگائی Getting started شروع کرنا Look at the picture دیکھو and guess اور اندازہ لگاؤ What it is یہ کیا ہے تصویر کو دیکھو اور اندازہ لگاؤ کہ یہ کیا ہے It is Mother Earth یہ ماں زمین ہے یہ ماں ارتھ ہے It needs اس کو ضرورت ہے اور help ہماری مدد کی Let's talk आओ बात करें What is wrong क्या गलत है With the picture of the earth ज़मीन की तस्वीर के साथ क्या गलत है क्या गलत हो रहा है What make the half earth happy आधी ज़मीन को क्या खुश बनाती है How can we help the mother earth हम माँ ज़मीन की किस तरह मदद कर सकती है तो आप तस्वीर को देखो यहाँ पर ये जो एक तरफ है ये गंदा किया गया है लोगों ने इसमें गंदगी पी रहा है तो उस वजह से ये रंग है और दूसरा जो है ये ग्रीनरी है एवरीवेयर सब कुछ परफेक्ट है तो ये ठीक है लेट्स प्लांट ट्रीज आइए दरख्त लगाई प्री रीडिंग पढ़ने से पहले लुक एट द पिक्चर बिलो नीचे दी गई तस्वीर को देखो एंड गेस और अंदाज़ा लगा व्हाट इट इज़ हैपनिंग कि क्या वाकई हो रहा है हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री क्या तुमने कभी एक दरख्त लगाई है डिस्कस बहस करो तो तस्वीर को देखो यहाँ पर ग्रैंडपा है और जैन है ये दरख्त लगा रही है इट इज़ संडे मॉर्निंग ये इतवार की सुबह है जैन इज़ इन हिज ग्रैंडपास गार्डन जैन अपने दादा की बाग में है ही लव्स वो पसंद करता है ग्रीनरी हरियाली ऑल अराउंड चारों तरफ गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा सुबह बखैर दादा व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रहे हो आस्क जैन जैन पूछता है गुड मॉर्निंग जैन सुबह बखैर जैन आई एम प्लांटिंग अ सीड मैं एक बीज लगा रहा हो ही रिप्लाइज वो जवाब देता है जैन बिकम्स क्यूरियस जैन मुतजस्सिस हो जाता है कैन यू प्लीज़ टेल मी क्या तुम मुझे बता सकते हो हाउ टू प्लांट अ सीड क्या तुम मेहरबानी करके मुझे बता सकते हो हाउ टू प्लांट अ सीड कि एक बीज को कैसे लगाया जाता है आस्क जैन जैन पूछता है यस श्योर हाँ यकीनन कम आओ आई विल टेल यू मैं तुम्हें बताऊँगा हाउ टू प्लांट अ सीड कि एक बीज को कैसे लगाते हैं सीड इज़ प्लांटेड बीज लगाया जाता है एंड फाइव स्टेप पांच मराहल में सेस कहता है ग्रैंडपा दादा नंबर वन डिग अ स्मॉल होल इन द साइल डिग खुद अ स्मॉल एक छोटा होल सुराख इन द साइल मिट्टी में प्लांट लगाओ अ सीड एक बीज स्प्रेड फैलाओ अ लिटल थोड़ा सा साइल मिट्टी और एट इसके ऊपर स्प्रिंकल छिड़को सम वाटर कुछ पानी ऑन एट इस पर वाटर एट रेगुलरली बाकायदगी से इसे पानी दो आफ्टर अ फ्यू डेज चंद दिनों के बाद द सीड ग्रोज सीड बीज ग्रोज बढ़ता है एंड टर्न्स और बदल जाता है इनटू अ बेबी प्लांट एक बच्चे पौधे में जैन वाज हैप्पी जैन खुश था टू लर्न कि उन्होंने सीखा प्लांटिंग अ सीड एक बीज को लगाना ही प्रॉमिस्ड हिज ग्रैंडपा उसने अपने दादा से वादा किया That he will take care of the seedling कि वो बीज से पैदा होने वाले पौधे का ख्याल रखेगा And water it daily और रोज़ाना उसे पानी देगा While reading पढ़ने के दौरान What will be the next step after step three Step three के बाद next step क्या होगा Spread a little Sprinkle some water on it ये step four है Post reading पढ़ने के बाद What did Zain promise his grandpa to do What did जैन ने अपनी ग्रैंडपा से क्या वादा किया कि वो क्या करेगा ही विल टेक केयर ऑफ द सीडिंग इन वाटर डेली हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू वी टेक केयर बाय नॉट कटिंग देम एंड बाय वाटरिंग देम रेगुलरली इसके साथ ही सबक ख़त्म होता है दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू